स्टूडेंट, मैं मुना कुमार और आपका चैनल केले स्टडी पर फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या, इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रक्रिया को बताया था, ठीक है। आज आपको ऑक्सीडेशन होता क्या है इसके बताएंगे। इससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन निकालने की प्रक्रिया को मैंने 2-3 क्लासों में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करो। और अगर आप केमिस्ट्री के पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके इसको रिवीजन कर दीजिए। पीछे हमने सारा वीडियो बना कर रखे हैं, आप लाइन बाई लाइन करके देख सकते हो, आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी। पूरी वीडियो रिवीजन कर लो जिससे आपको और अच्छा तैयारी हो सके। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने इस पहले अभी जो भी पढ़े उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बारे में पढ़े, ठीक है। अब ये पढ़ना है ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना तो है, लेकिन सबसे पहले किसके आधार पर पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन, उपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, उपचयन। ये ही वर्ड ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उपचयन, ठीक है। और ऑक्सीकरण का उपचयन हो गया और अवकरण का अपचयन हो गया, ठीक है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से जाके उसको देख के रिविजन करिए, ठीक है। चलिए, अब ये है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन है केवल, अवकरण ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या उपचयन। तो देखिए, कह रहा है ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है, यानी कि जो तत्व होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसे ही हम कथि कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। सुनिए, तो अब रिडक्शन क्या है, तो अवकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है। अवकरण कह रहा है तो बस समझना है कि तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वह कम हो जाएगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, अवकरण कह सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ जाता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, लेकिन अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है, ठीक है, किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है तो वह संख्या क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या घटता कैसे है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे हम वो लिखते हैं H2 लिखते हैं, क्लियर, आप प्लस Cl2 लिखते हैं। इस चीजें हम क्लियर कर देते हैं कि कैसे कहेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाबू, H2 + Cl2 = HCl, और यहाँ खाली संतुलित कर लीजिए, रिएक्शन किया है तो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन होना चाहिए, दो क्लोरीन है दो क्लोरीन होना चाहिए। ये तो बात आपको समझा चुके हैं, और ना समझे हैं तो अभी अभी क्रिया बताएंगे तो उसमें समझ जाइएगा। यहाँ पे आपको बताया गया था कि समान हो, होमोजीनियस हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया,
जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया ये माइनस, यहाँ हो गया प्लस। अब देखिए यह जीरो से विकास करके प्लस वन तक गया और ये जीरो से माइनस हो गया, यानी कि इसका संख्या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या घटा है। कैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे चलो जीरो था तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस वन तो एक बढ़ गया, ऐसे जीरो क्लोरीन जीरो तो यहाँ ये ठीक कंडीशन इसकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे हो गया माइनस वन, यानी कि वो कम हो गया है कि ना, माइनस वन का मतलब कहते हैं वो कम होना। तो इसका हाइड्रोजन का बढ़ना, क्लोरीन का इसी में प्रक्रिया में कम होना, तो बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कभी कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और घटना कभी कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है, और घटना क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण यहाँ पे हो जाएगा अवकरण, अवकरण क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपकी प्रक्रिया एकदम समझ में आ जाए उसकी। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम है, आप प्लस HCl है, कैल्शियम है आप प्लस HCl है, ठीक है, ये अभिक्रिया कर लिया तो बन गया CaCl टू आप प्लस एच टू, कैसे हो गया एच टू गैस बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे प्लस यह माइनस, तो चलिए अब यहाँ पे हो गया माइनस प्लस टू, यहाँ पे हो गया ये माइनस है तो माइनस से रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस वन से यहाँ पे आ गया जीरो, यानी कि देखिए बाबू यह जीरो से हो गया प्लस टू आई प्लस वन से हो गया कथी जीरो, क्लियर, ये गुणा प्लस जीरो से कथी हो गया प्लस टू आई गुणा जीरो प्लस वन से कथी हो गया जीरो, यह बढ़ा है, कथी बढ़ा है बाबू ये बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कथी कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाइड्रोजन देखिए धातु ही, क्लोरीन तो माइनस एहू में मिला, क्लोरीन एहू में माइनस, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्लस से जीरो हो गया तो ये कम हुआ है, यानी कि कम हुआ है तो ये हो जाएगा रिडक्शन, कभी कहा जाएगा रिडक्शन अवकरण, अवकरण क्लियर, ये ऑक्सीकरण क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन किस तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ही तत्व, अब देखिए कभी कभी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है और कभी कभी एक ही तत्व का अवकरण हो जाता है, तो उसको भी देखना जरूरी होता है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अवकरण हो रहा है, ठीक है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो सकता है, एक ही तत्व का अवकरण भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको एक देखते हैं एग्जांपल, पहले इसको थोड़ा सा साफ करें, तो यहाँ देखिएगा अब जैसे यहाँ Cl2 है, ठीक है, अब H2O है, ठीक है, Cl2 है और H2O है, यहाँ देखिए अब ये Cl2 है या H2O है ना, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले ध्यान रखो ये अगर अभी क्रिया करता है तो क्या बनेगा, तो ये देखिए ये कहाँ कैसे टूटेगा, तो H प्लस और OH में टूटेगा ना, प्लस माइनस, ठीक है, अब यहाँ ये तो टूट गया तो बच जाएगा HCl, इससे बन गया HCl, अब प्लस H यहाँ पे कट जाएगा Cl ओ एच है ना, ऐसे हो जाएगा, सॉरी एच ओ सी एल ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस,
यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक जगह हो गया कति प्लस और एक जगह हो गया माइनस, ठीक है, नहीं ये हो जाएगा माइनस के लिए, सॉरी, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब देखिए ये था जीरो कोलरीन, ठीक है, तो कोलरीन यहाँ पे देखिए बढ़ा क्या हुआ, बढ़ के यहाँ आया कभी माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, और यही से देखिए एक वर्ड आता है जो ये कतिका आता है प्लस। अब यहाँ से इसका सब समझ में आ रहा था, यहाँ से देखिए तो एक जगह इसका कति हो गया ये माइनस, यानी कि यहाँ कम हो गया, जीरो से कति हो गया माइनस कम हो गया, और ये जीरो से प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, कति हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका कति हो गया रिडक्शन। तो आप एक ही तत्व का देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और एक ही तत्व का क्या हो सकता है रिडक्शन हो सकता है। अब टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन, एगो होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, एगो रिडॉक्स अभिक्रिया एगो नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें वो रिडॉक्स अभिक्रिया में कहने का मतलब होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकलन की संख्याएं दोनों एक साथ घटित होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या और अवकलन संख्या की घटनाएं एक ही साथ घटित होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकलन की घटनाएं एक ही साथ में घटती है, ऑक्सीकरण संख्या और अवकलन संख्या, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण प्लस अवकरण दोनों एक साथ घटित होता है तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, दोनों तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, हम दोनों को परिभाषा दिखाएंगे बाबू, नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया वह प्रक्रिया अभिक्रिया है जिसमें नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अवकलन की संख्या एक साथ घटित नहीं होता है उसे हम नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकलन की संख्या एक साथ घटित नहीं होता है उसे हम नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर। नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकलन की घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती है उसे हम नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की घटनाएं एक साथ घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पढ़ेंगे ये किस पे आधारित होगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर होगा। देखो सभी ऑक्सीकरण और रिडक्शन अभी अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर वो भी इलेक्ट्रॉन के ही आधार पे है, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है हम लोग ने, थोड़ा सा चेंजिंग क्या की है बता रहे हैं आपको। अब ये जो परिभाषा है ऑक्सीकरण का परिभाषा है, किसका परिभाषा है, ऑक्सीकरण का, तो यहाँ लिख रहा है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अगर कोई ऑक्सीकरण है तो अब सबसे पहले करेगा तो करेगा क्या, तो वह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात हम जिसे बढ़ना शब्द कह रहे हैं वह एक प्रकार की घटना होता है। जैसे देखिए बाबू, अब मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है ना जी, अगर हम सोडियम Na पे प्लस 1 कर दे
तो यहाँ पे यह 2 8 हो जाता है, अर्थात यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दे दिया कर दिया। अर्थात यहाँ पे देखिए बाबू, अगर हम एल्यूमिनियम कह रहे हैं तो यह 13 होता है, यह होता क्या है 2 8 3 होता है ना, 2 8 3। अगर एल्यूमिनियम पे +3 कर दे, यहाँ 13 तो है ही, +3 कर दे तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो 2 8 हो जाता है सीधा, यानी कि सिर्फ +3 होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाना है। तो उस पे जितना प्लस होगा उसके अंदर से उतना इलेक्ट्रॉन कम हुआ रहता है, तो कम होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कम होना, इलेक्ट्रॉन के कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे एक चीज और, देखिए यहाँ पे एक चीज अब लिखा है रिडक्शन, क्या लिखा है रिडक्शन, यानी कि अवकरण, क्या कहता है अवकरण। तो अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये यह में त्याग देता है, इसमें क्या करता है ग्रहण कर लेता है। तो अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब इसे देखिए ग्रहण कैसे करते हैं और उसके ग्रहण करने से प्रभाव क्या होता है। तो ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी करना, जैसे यहाँ पे कोलरीन है बाबू, कोलरीन है 17, ठीक है, इसका होता है 2 8 और 7, लेकिन एक इस पे माइनस आ जाएगा जिसको हम लोग अवकरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस अगर आ गया और ये तो 17 हो गया, तो हो जाएगा 2 8 8, यानी कि ये वो ग्रहण कर लिया, माइनस दे दिए तो इसको दे दिए तो 17 हो गया 18 को, तो ये हो जाएगा 2 8 8, तो इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा देखिए, अब देखिए ये ऑक्सीजन है बाबू, कथी है ऑक्सीजन, तो इसका 2 6 होता है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6 हो गया बाबू, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो अब ये 8 की जगह पर यहाँ +2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा बाबू, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पर यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, जैसे हमने अभी सोडियम के बारे में आपसे बात किया, तो यहाँ पे 2 8 1 होता था, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको +1 करते हैं तो 2 1 घट जाता है, तो सीधा 2 8 बढ़ जाता है, बच जाता है कि नहीं बच जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन कहलाया, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं उसको हम कथी कह दिए, अवकरण कह दिए। अर्थात अब एक बात समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि प्लस चिन्ह जिस पर आएगा प्लस चिन्ह वह इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, कथी कर दिया त्याग कर दिया, जो माइनस आ गया वो इलेक्ट्रॉन को कथी कर दिया ग्रहण कर दिया। तो ग्रहण कर लिया तो जितना मूल संख्या है उसमें से वो कम हो जाएगा, आयतन जितना मूल संख्या उसमें से बढ़ जाएगा, अगर एक माइनस है तो एक बढ़ जाएगा, 2 माइनस है तो 2 बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 माइनस है तो यहाँ पे 2 को बढ़ा है, यहाँ 1 माइनस है तो यहाँ 1 को बढ़ा है। तो जितना प्लस उतना त्याग और जितना माइनस उतना ग्रहण, अर्थात अगर माइनस आया तो हम कैसे समझ, प्लस आया तो हम कैसे समझ लेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ग्रहण इसने त्याग कर दिया है, कैसे कर दिया है त्याग कर दिया, तब अवकरण कहलाया। अगर माइनस चिन्ह आप देख ले तो समझ लीजिए कि ये हुआ है, कैसे हुआ है रिडक्शन हुआ है, कैसे हुआ है रिडक्शन हुआ है, का है तो इसने ग्रहण किया हुआ है, कैसे किया हुआ है ग्रहण किया हुआ है। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो हमें लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इतना अच्छे से समझे होंगे, ऑक्सीडेशन समझ लिए होंगे, रिडक्शन समझ लिए होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे बाबू। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखिए आज इसका एग्जाम्पल देखते हैं,
तो यहाँ पे सी ए है अब प्लस एस है, अब ये यहाँ पे दोनों इधर आ गया बाबू, अब ये दोनों एक साथ हो गया तो सी ए एस हो गया। यहाँ पे ए भी जीरो और ए भी जीरो होता है, यहाँ पे ये भी प्लस टू, यहाँ पे ए भी माइनस टू। अगर बात देखा जाए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अब सुनिए, यहाँ पे एक ही चीज हमको समझा दीजिए, यहाँ पे क्या था जीरो था, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया प्लस टू आ गया, यहाँ पे बढ़ा है कि घटा है, ये बढ़ा है, बढ़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घटा है, प्लस चिन्ह में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया तो कथी कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्लस चिन्ह अभी समझाया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का कमी होना मतलब त्यागना हो गया, त्यागना मतलब कुछ हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे माइनस टू हो गया, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ग्रहण जैसे किया तो इसके मोहर लग गया रिडक्शन का, कथी का मोहर लग गया रिडक्शन का, यानी कि इसने कथी कर लिया रिडक्शन का रिडक्स कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, यानी कि अवकरण हो गया, ये अवकरण क्लियर एकदम समझ लीजिए बाबू, इसमें छूटने की कोई सवाल पैदा नहीं होता है ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं एकदम बढ़िया से, समझ गए ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और इसने दो इलेक्ट्रॉन खो दिया, क्लियर। चलिए बाबू अब बात देख लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो सी ए प्लस सी एल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी जीरो ये भी जीरो हो गया, ये बन गया सी ए सी एल टू, यहाँ से प्लस यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे माइनस टू हो गया, यहाँ देखिए इसका कथी हो गया यहाँ पे है, और यहाँ से इसी चीज को देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से देखिए इसका प्लस जीरो से प्लस टू, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन खत्म, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कथी कहलाया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाया। और यहाँ पे देखिए इसने दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया है तो दो माइनस कर लिया अवकरण कहलाएगा, कथी कहलाएगा अवकरण कहलाएगा, यही बात है, ऑक्सीकरण और अवकरण आराम से चेंज होते रहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन अगर कोई त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग ले ग्रहण कर रहा है तो उसको अवकरण, आज इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, क्लियर। तो हमें लगता है कि आपने इस बात को समझ चुका बाबू, तो ठीक है अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा, और समझ में बहुत अच्छा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और क्योंकि आप सीखते हैं तो उसको ये सिखाने वाला के लिए कुछ काम करना पड़ता है, और आपका एक ही वो काम है कि वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उसको भी पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए प्रेरित करिए ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपका फर्ज बनता है किसी और के पास भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना बाबू ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।